मानव हृदय, ये मानव हृदय जो है यह इसका आकार कैसा होता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि मानव हृदय का आकार कैसा होता है। तो मुट्ठी के आकार का होता है, किसके आकार का, मुट्ठी, ये जो मुट्ठी है ना ऐसे आकार का होता है। आपको कहता है ऐसे दिल होता है, हार्ट होता है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, सिर्फ मुट्ठी के आकार का होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार, मुर्गा में खुला मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का, मुर्गा में कलेजी देते हैं ना कलेजी, तो ये मुट्ठी का बंद 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 मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। अब ये हार्ट का हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये जो है एक हार्ट है, मत ऐसे ही लत्तू जैसा लग रहा है, बंद मुट्ठी के जैसा है। अब इसमें जो है चार चैम्बर होते हैं, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर। तो ये भी पूछता है कि मानव हृदय में जो है चैम्बर कितने होते हैं, चैम्बर चार होते हैं, पूरे कितने कोष्ठक होते हैं, चार, एक दो तीन चार, इसको बोलते हैं LEFT, लेफ्ट ऑट्रियम, मतलब होता है बाया आलिंद, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बाया नील, बाया नील बाया आलिंद, और इसको बोलते हैं राइट ऑट्रियम, मतलब दायां आलिंद, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, मतलब हो जाता है दायां नील। अब ये है क्या, बायां आलिंद बायां नील, दायां आलिंद दायां नील, ये चार चैम्बर हैं हार्ट के। अब क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा ये इसके नाम को है क्या, क्वेश्चन पूछेगा हमारे हार्ट में जो है ब्लड प्रवेश किस चैम्बर में करता है, पूरे ऑर्गेन से, पूरे शरीर से। तो ये बायां दायां आलिंद जो है ना, इसमें सबसे पहले ऑर्गेन यानी पूरे शरीर से जो है ब्लड आता है किस चैम्बर में, दायां आलिंद में, राइट ऑट्रियम में। अब ये जो देखिएगा तो ये इधर अपना राइट लग रहा है, ये इधर बायां लग रहा है, लेकिन नहीं, साइंस उल्टा मानता है, ये ऐसे है ना, ऐसे देख रहे हैं तो ये दायां ये बायां, तो ऐसे साइंस मानता है। लेकिन मैथ में हम लोग बनाए थे, मैथ में दिशा बनाए थे ना, दायां हाथ के साइड की तरफ, दाएं बाएं हाथ के साइड की तरफ, लेकिन मैथ के ठीक विपरीत होता है। अब इसमें क्या, इसमें रियल डायरेक्शन जो होता है हाँ, उसके विपरीत होता है, हाथ किधर होता है, इधर किधर, हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड, हाँ बायां साइड, यहाँ जो है ना यहाँ हार्ट किधर होता है, दोनों फेफड़ा है ना, आप में कहाँ है बताते हैं, ठीक है। तो ये जो है हार्ट ब्लड किस से प्रवेश करता है, किस चैम्बर से, तो दायां आलिंद से, राइट ऑट्रियम से प्रवेश करता है। यहाँ पर जो है ना ट्राइकोस्टिड तीन लेयर वाला चूड़िया समझते हैं ना, जुड़ा रहता है स्प्रिंग जैसा, वैसा एक ट्राइकोस्पिड बॉन्ड होता है, इससे होकर के जो है ना ब्लड जाता है फिर इस वाले में, किसमें, राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले में जाता है, किससे होकर के, मान लीजिए ब्लड जो है ये पूरे ऑर्गेन है, क्या है, ऑर्गेन, इससे ब्लड आया गया कहाँ, दायां आलिंद में, दायां आलिंद जब भर जाएगा तो यहाँ पर जो है ट्राइकोस्पिड एक छेद वाला जो है चुड़िया जिसे होता है, उस छेद के माध्यम से, इसको बोलते हैं ट्राइकोस्पिड, ट्राइकोस्पिड लेयर, लेयर बोलते हैं क्योंकि तीन वो है ना, इसीलिए ट्राई बोलते हैं। अब ये ट्राइकोस्पिड के द्वारा जो है ये जो पूरा भर जाएगा ना, तो जब देखती है कोई चीज़ भर जाता है, मुलायम रहेगा तो उथल पुथल नहीं करता है, उसी प्रकार ये उथल पुथल करता है, ये छेद खुल जाता है, छेद खुलेगा तो ब्लड आने लगता है इस ओके इस वाले में, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में। अब ये दायां नीले में जो ब्लड आता है, यहाँ पर भी एक अर्ध चांद के आकार का एक कस्पिड होता है, जिसे लूनर कस्पिड बोलते हैं, हाफ लूनर कॉस्पिड बोलते हैं, अर्ध चंद्र के आकार का होता है कॉस्पिड लेयर, और इससे जो है ब्लड जो है एक वेंस जुड़ता है, बताते हैं पलमनरी वेंस, जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय सीरा,
और ये सीरा का काम क्या होता है कि मान लीजिए ये पल्मोनरी वेंस है, ये आएगा और लंग्स, लंग्स मतलब समझते हैं ना फेफड़ा, इस फेफड़ा में इस ब्लड को लाएगा। अब ये इस फेफड़ा में काहे लाता है, इस ब्लड में आया, अब ये इधर वाले हार्ट में काहे नहीं गया जो डायरेक्ट फेफड़ा में गया। तो फेफड़ा का काम होता है ब्लड को शुद्ध करना। अब हमारे ऑर्गेन से जो ब्लड आया था वो शुद्ध ब्लड नहीं आया, अशुद्ध ब्लड था, इसीलिए अशुद्ध ब्लड। अब कहिएगा इसमें अशुद्ध का मतलब क्या है, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन यह भी पूछता है कि हमारे हार्ट के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है, तो दाएं भाग में, किस किस लेयर में रहता है, तो राइट एट्रियम दायां आलिंद और दायां नीले में रहता है। और उसके बाद ऑक्सीजन वाला इधर आएंगे तब बताएं। उसके बाद ये पल्मोनरिया कहता है किस सीरा में जो है अशुद्ध रक्त रहता है, ये पल्मोनरी सीरा नहीं होगा, पल्मोनरी जो है आर्टरी होगा, आर्टरी इसे धमनी कहेंगे, फुफ्फुसीय धमनी। कहेगा किस सी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त, मात्र ऐसा ये धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, नहीं तो धमनी में जो है एकदम शुद्ध रक्त रहता है और सीरा में जो है अशुद्ध रक्त रहता है। लेकिन अपवाद के वो धमनी है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फेफड़ा क्या करेगा, ये जो ब्लड आया है यहाँ पर इसमें से क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर कर देगा, आउट कर देगा, और इन किसको करेगा, इन करेगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन जब इसमें भर दिया, ब्लड में ऑक्सीजन हो गया, अब पूरे ऑर्गेन को तो चाहिए ब्लड। अब ये क्या करेगा, यहाँ से फिर दे देगा हार्ट के बाएं आलिंद में भेजेगा। अब ये भेजेगा तो किसी सीरा या धमनी के द्वारा ही भेजेगा, तो ये जाता है ब्लड सीरा के द्वारा। अब इस सीरा का नाम क्या है, तो पल्मोनरी, इसका कलर एक सेकेंड कलर पर भी बात करेंगे, पल्मोनरी ग्रीन टाइप का होता है ना, बताएंगे ना, ग्रीन नहीं होता है, नीला होता है, ब्लू, नीला ब्लू, पल्मोनरी वेंस, ये इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सीरा। अब ये जो एकमात्र सीरा है, अभी देखिए इधर देखिए, देखिए अभी बताया कुछ देर पहले, मात्र एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, उसी प्रकार एकमात्र अपवाद है फुफ्फुसीय सीरा जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। अब ये लंग्स जो है शुद्ध कर दिया ना ब्लड को, ब्लड जो शुद्ध रक्त गया कहाँ गया, दाएं बाएं आलिंद में। अब ये शुद्ध रक्त जो गया है सीरा के द्वारा गया, जबकि सीरा में तो रहता है अशुद्ध रक्त, तो इसीलिए जो है इसको, यह एक अपवाद में है पल्मोनरी में जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी अपवाद में जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है। अब यहाँ पर होता है बाइकस्पिड लेयर, जिस प्रकार ये राइट एट्रियम में था ना त्राइकस्पिड, उसी प्रकार बाइकस्पिड लेयर होता है, इसमें ब्लड आ गया, यहाँ से ब्लड आया था, ये पूरा में ब्लड भरा, फिर यह जब खुलेगा तो क्या होगा, इससे ब्लड जो है यहाँ इसमें आएगा, इसमें यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर बायां नीले में आए, बायां नीले में जो आएगा तब यहाँ पर होता है एक अयोता नाम का ऐसा छिद्र होता है, इस छिद्र से जो है पूरे ऑर्गेन के लिए बॉडी ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तो इसी के द्वारा यह बॉडी ब्लड के लिए ट्रांसफर होते। और यहाँ पर जो है अब जो है ये ऑक्सीजन इसमें भर दिया था ना लंग से फेफड़ा, और जब आया तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब क्वेश्चन कहेगा जो हमारे शरीर में जो है ब्लड हार्ट के किस भाग से आता है, अब बताइए किस भाग से आता है, बायां भाग से आता है, बायां भाग के किस भाग से आता है, तो बायां नीले से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है, और किस छिद्र के माध्यम से आता है, तो अयोता के माध्यम से, इसका नाम क्या है, अयोता, अयोता इसका नाम है, तो अयोता जो एक छिद्र है उसके माध्यम से हमारे बॉडी में ब्लड आता है, और कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजन युक्त, क्या बाहर निकला हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर करेगा, पूरा बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर, दाएं से आता है बाएं से पूरा बॉडी में ट्रांसफर, दाएं से आया बाएं में। अब ये सारी क्रिया जो बताया ना ऐसे ऐसे करके ऐसे आता है, ये मात्र कितना देर में होता है, एक प्रोसेस पता है 0.8 सेकेंड में, मात्र 8 सेकेंड में जो है एक प्रक्रिया ऐसा पूरा हो जाता है, ब्लड ऑर्गेन से आया, दायां आलिंद में गया, दायां से दायां नीले में गया, दायां नीले से फेफड़ा, फेफड़ा से फिर बायां आलिंद, बायां आलिंद से
बाया नीले से पूरे ऑर्गेन मात्र 0.8 सेकंड में कुछ भी पिएंगे पानी, आप कुछ भी खाइए पीजिए उससे मतलब नहीं है। ब्लड का जो काम है, अब हार्ट का काम क्या है तो पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी पूरे शरीर में, पूरे शरीर में जो है ब्लड को शुद्ध कर कर शुद्ध रक्त को पहुंचाना, यही इसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। तो शुद्ध रक्त आप कहते हैं, ये क्वेश्चन आप ही बोले थे ना जो रक्त का रंग कैसा होता है, तो सीरा के बारे में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगा ना वह होता है ब्लू कलर का, और यदि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा ब्लैक कलर का, यानी कि काला कलर का। अब कहिएगा जिसमें ऑक्सीजन है वो, तो ऑक्सीजन जिसमें है तो वो तो रेड कलर का है, तो शुद्ध रक्त है तो उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर का। तो क्वेश्चन सही बात है, पूछता है कि धमनी से प्रवाहित होने वाले रक्त का रंग कैसा होता है, तो बताइए। अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि धमनी में जो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध या अशुद्ध, शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त का कलर कैसा हो जाएगा, लाल। अब यही पूछ देगा जो सीरा में कौन सी रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है, नीला, ठीक है, ब्लू होता है। जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तब काला बन सकता है, काला दिख सकता है, तो वैसे हम सब देखते हैं तो थोड़ा हरा जैसा लगता है, लेकिन वो नीला है, लेकिन नीला है, कहिएगा काहे दिखता है, चमड़ी के कारण जो है ना वो हमको ग्रीन जैसा दिखता है, लेकिन वो ग्रीन होता है, ब्लू दिखाई देता है, हाँ तो ब्लू ही होता है, ब्लू कलर ही होता है चमड़ा के कारण, हाँ। तो ये मानव हॉट था, काट के निकाल के है रेड, ठीक है, हाँ, स्किन के कारण से थोड़ा हरा बोल, हाँ थोड़ा वही कहे स्किन के कारण जो है वो दिखाई देता है, अगले बात को धरता है। तो ये जो है ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम था, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आता है, इसमें कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, हम वो देख रहे हैं।